वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। और बेटा, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो बातों के ऊपर। नंबर वन, बीए पार्ट फर्स्ट में सब्जेक्ट चेंज की प्रोसेस क्या है और ये कब से शुरू होंगे, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर। और दूसरी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे, एनएसएस में आप लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इसका फॉर्म कहाँ से मिलेगा, इसके ऊपर। तो दो बातें हैं जिनके ऊपर हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और मैं अपने सभी स्टूडेंट से, चाहे वो किसी भी क्लास के हों, उन सभी से ये निवेदन करूंगा कि आप लोग जो है अपने साथियों के साथ, चाहे आप किसी भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, जो भी आपका है, फेसबुक वगैरह, वहाँ पर आप लोग इसे शेयर करें, जिससे कि ये जो महत्वपूर्ण काम है कॉलेज के, ये पूरे हो पाएँ और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो छात्राएँ हैं वो लाभ ले पाएँ। तो सबसे पहले तो मैं सब्जेक्ट चेंज की प्रक्रिया के ऊपर चर्चा करना चाहूँगा। तो सब्जेक्ट चेंज की प्रक्रिया क्या है, इस दरमियान मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, वर्तमान में जो सब्जेक्ट आपको अलॉटेड हुए हैं उनको आप लोग एक बार देख ले, कॉलेज में आकर के देख ले, और अपनी गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा की जो साइट है वहाँ पर देख ले। और इसके अतिरिक्त आप जो है अपने जो GAGC के या DS एजुकेटर, दोनों में से किसी भी एक टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर ले, तो वहाँ से भी आपको पूरी लिस्ट जो है सब्जेक्ट वाइज मिल जाएगी। तो यहाँ से आप लोग सब्जेक्ट वाइज जो डिटेल है वो आपकी देख सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को ये बता देना चाहूँगा कि यदि आपको कोई सब्जेक्ट चेंज करनी है तो कुछ विषय ऐसे हैं जो फिलहाल नहीं मिल पाएंगे आपको। पहली बात तो यह कि सिर्फ एक ही सब्जेक्ट चेंज हो सकती है, इससे ज़्यादा सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगी। इसके अतिरिक्त मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, हिंदी, सोशोलॉजी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है अवेलेबल नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनके अतिरिक्त आप जो है कोई सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो वो आपको मिल जाएगी, जैसे कि संस्कृत है, म्यूजिक है, TDP है, GPM है, इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, फिलोसफी है, ये विषय आपको अवेलेबल है। यदि आप किसी सब्जेक्ट को इन सब्जेक्ट के साथ एक प्रकार से एक्सचेंज करना चाहते हो तो ये सब्जेक्ट आपको मिल जाएगी। और आप लोगों को जो फॉर्म है वो अगले सोमवार से जो है कॉलेज में मिल जाएगा, रूम नंबर 11 में हम लोग ये अवेलेबल करा देंगे। इसके अतिरिक्त प्रयास रहेगा कि जो हमारी कॉलेज की साइट है वहाँ पर भी आपको ये अवेलेबल करा दिया जाए। और उसके बाद जितना भी समय आपको दिया जाएगा उस समय के बारे में भी आपको बता दिया जाएगा। तो इस प्रक्रिया को, चूंकि अभी एग्जाम चल रहे हैं कॉलेज में, इसलिए आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समय व्यतीत नहीं कर पा रहे हम लोग, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जो ये प्रक्रिया है सब्जेक्ट चेंज की, ये हम लोग अगले वीक में शुरू करेंगे, सोमवार से यानी 15 तारीख से आप लोग कॉलेज में आकर के फॉर्म ले और वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन सी सब्जेक्ट अवेलेबल है और कौन कौन सी नहीं है। हालाँकि मैंने आपको इस वीडियो में भी बता दिया है, तो एक तो ये बात हो गई। अब मैं बात करना चाहूँगा NSS के रिगार्डिंग। देखिए, NSS में दोनों बच्चों को फॉर्म भरना है, उनको भी जिनकी एक साल पूरी हो गई है और उनको भी जिन्हें नया एडमिशन लेना है, यानी जो फर्स्ट ईयर में है या सेकंड ईयर में है और पहले से आप लोग NSS का हिस्सा नहीं है कॉलेज में, स्कूल में भले ही आप लोग कॉलेज इसका NSS का हिस्सा रहे हों, यहाँ पर आप यदि NSS का हिस्सा नहीं है तो आप लोग NSS में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका फॉर्म आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं, आप लोग वहाँ से जो है एक ग्रुप ज्वाइन कीजिए कोई सा भी, और उस ग्रुप में मैं आप लोगों के साथ फॉर्म शेयर कर दूंगा। और फॉर्म के साथ आपको फीस की जो रसीद है वो लगानी है, उसकी जेरोक्स लगानी है, ओरिजिनल नहीं लगानी है। इसके अतिरिक्त आपको आपके 12वीं क्लास की जो फोटोकॉपी है मार्कशीट की, वो भी आपको अटैच करनी है, जो फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये बहुत सिंपल प्रक्रिया है। और ये यदि आपको जो NSS के फॉर्म है उसके जमा कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि कल आप लोग 11 से 2 बजे के बीच में, कल 11 से 2 बजे के बीच में आप लोग मुझे जमा करा सकते हैं। मैं आपको कॉलेज में मिल जाऊंगा और वहां पे आप लोग रूम नंबर 52 या 53, दोनों में से किसी एक जगह आप लोगों को मैं उपलब्ध हो जाऊँगा और वहाँ पर आप लोग जो है अपना फॉर्म जमा करा सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना जो है नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को ध्यान में रखें कि आप लोगों को जो है अपना जो NSS का फॉर्म है वो समय से जमा करा देना है। इसी वीक में ये काम चलेगा, यानी पूरे 7 दिन का अवसर आपको दिया गया है।
कुछ बच्चे इसको व्हाट्सएप पर शेयर करने, मैं आपको बताऊं व्हाट्सएप पर शेयर करने से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, इसके लिए आपको जमा कराना अनिवार्य है। तो आपको हार्ड कॉपी जो है कॉलेज में जमा करानी पड़ेगी, आप मुझे मालव सर को या प्रियंका मैम को जमा करा सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं एक और बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि सब्जेक्ट चेंज की प्रक्रिया अगले हफ्ते है, तो उसके रिगार्डिंग आप लोग अभी कॉलेज में नहीं आए और परेशान नहीं हो। सब्जेक्ट की जो लिस्ट है वो एक बार मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, फाइनली एडमिटेड की लिस्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो आप लोग पहले जो है ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन आप लोग अपना देख लें, जिससे कि बाद में जो है प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं आए। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। एनएसएस के रिगार्डिंग आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप और टेलीग्राम दोनों के लिंक शेयर किए हुए हैं, आपको दिक्कत नहीं आएगी। कॉल करने से बचे, आप लोग मैसेज ड्रॉप कर दें अपना नाम लिख करके, मैं जब भी मैं मैसेज देखूंगा आप लोगों को रिप्लाई ज़रूर करूंगा, इसलिए आप लोग इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें। आप सभी को जो नए सत्र में प्रवेश की शुभकामनाएं, और जल्दी जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेज भी जो है हम लोग शुरू करेंगे। ऑल द बेस्ट आप सभी को।